सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग काफ़ी बढ़िया होंगे और एकदम फर्स्ट क्लास होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोग मैं बेस्ट फोटो लॉगर एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं, जिस एप्लीकेशन का आप यूज़ करके अपने फ़ोन के फ़ोटोज़ में लॉक लगा सकते हैं। दोस्तों आप चाहते हैं कि आपके फ़ोन के जो पर्सनल फ़ोटोज़ हैं वो कोई भी ना देख पाए, जैसे वो आपके फ़ोन के फ़ोटोज़ को ओपन करे तो उसमें लॉक लग के आ जाए। तो यहाँ पे इसके लिए आप लोग अपने फ़ोटो के लिए लॉक करने के लिए बेस्ट ऐप लॉक जो आप देख रहे हैं, लेकिन आप लोगों को नहीं पता है कि कौन सा बेस्ट फोटो लॉकर है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए। इस वीडियो में आप लोगों में बेस्ट फोटो लॉकर एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ, जिन एप्लीकेशन का आप यूज़ करके आप लोग अपने फ़ोटोज़ में लॉक लगा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग जानना चाहते हैं वो कौन सी बेस्ट फोटो लॉकर एप्लीकेशन है, तो जानने के लिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखते रहिए। इस वीडियो में आप लोग मैं बेस्ट फोटो लॉगर एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ और साथ में कैसे इंस्टॉलेशन करना है, कैसे सेटअप करना है, कैसे यूज़ करना है, उसकी भी इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो में आप लोग मैं दूंगा। तो दोस्तों चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट कर लेते। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा नाम जान लीजिए, मेरा नाम है सोनू कुशवाहा और आप सभी लोगों का हमारे टेक टेक्निकल एस के चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों आप लोग को बेस्ट फोटो लॉगर एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाइए और आप लोगों को सर्च बार में टाइप करना होगा फोटो लॉकर। तो बस आप लोग को टाइप करना होगा फोटो लॉकर या फोटो लॉक टाइप कर दीजिए और यहाँ पे आप लोग देखेंगे बहुत सारी एप्लीकेशन आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएंगी। लेकिन यहाँ पर आप लोग को जो बेस्ट एप्लीकेशन है, जो लोग ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, जिसमें आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, वो एप्लीकेशन मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। वैसे तो आप लोग को बहुत सारे यहाँ मिल रहे हैं, तो जो बेस्ट रिजल्ट वाली एप्लीकेशन है वो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। तो ये जो एप्लीकेशन है यहाँ पे देख सकते हैं, फोटो लॉक ऐप हाइड पिक्चर, तो ये वाली जो एप्लीकेशन है इसी एप्लीकेशन को आप लोग अपने फ़ोन में डाउनलोड करके इंस्टॉल कीजिए और इस एप्लीकेशन की लिंक भी मैं आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इसी एप्लीकेशन से आप लोग अपने फ़ोटो में लॉक लगा सकते हैं और इसी एप्लीकेशन से आप लोग साथ में अपने फ़ोटोज़ को हाइड भी कर सकते हैं, यानी कि छिपा सकते हैं। तो इस एप्लीकेशन को कर लीजिए फटाफट से ओपन। और दोस्तों मैंने आप लोग को बताया ये एप्लीकेशन आप लोग को प्ले स्टोर से ढूंढने में दिक्कत हो रही है, तो इस एप्लीकेशन की लिंक मैं आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप लोग नॉर्मली डाउनलोड कर लेना, ठीक है। मात्र ये 10 से 11 MB की एप्लीकेशन है, तो फटाफट से ये डाउनलोड हो जाएगी। तो दोस्तों आप लोग ध्यान देखना, इसका जो लोगो है वो आप लोग देख लेना, बाकी का आप लोग को प्ले स्टोर पर इसको ज़्यादा फाइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो वहाँ से आप लोग डायरेक्टली क्लिक करके उस ब्लू लिंक पे आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन आप लोग की जब डाउनलोड हो जाएगी तो इंस्टॉल हो जाएगी और एप्लीकेशन को आप लोग करेंगे यहाँ से फटाफट से ओपन। सबसे पहले एप्लीकेशन आपकी स्कैन होती है और स्कैन होने के बाद आप लोग इस एप्लीकेशन को करेंगे यहाँ से ओपन, और ओपन करने के बाद यहाँ पर देखेंगे इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा। स्टार्ट बटन पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर बोल रहा है सेट पासवर्ड, सेट पासवर्ड डालने के लिए आप लोग को बोल रहा है, तो आप लोग ये अपना पासवर्ड सेट कर लीजिए। मैंने 2580 सेलेक्ट किया, 4 से 12 अंकों का आप लोग पासवर्ड सेट कर लीजिए और इसके नीचे मिलेगा राइट, राइट कीजिए, फिर डालिए पासवर्ड, फिर से राइट कीजिए और आप लोग का पासवर्ड सेट हो जाएगा। ये बोल रहा है रिकवरी ईमेल आईडी को आप लोग अपनी रिकवरी ईमेल आईडी अटैच कर दीजिए, ताकि यहाँ पर आप लोग जब भी कभी भी अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो इस रिकवरी ईमेल आईडी को डाल के आप लोग अपना पासवर्ड रिकवर कर देते हैं। इसके बाद दूसरा ऑप्शन यहाँ पर बोल रहा है सेट और पर्सनल क्वेश्चन, तो आप लोग अपना पर्सनल क्वेश्चन सेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सेट कर लेता हूँ लव और यहाँ पे मैं सेट करता हूँ लव, ठीक है। तो कुछ भी आप लोग सेलेक्ट कर लेना और डन कर दीजिए और सेट हो जाएगा। अब ये यहाँ पे आप लोग बोल रहा है पिक्चर, अब ये पिक्चर में आप लोग किस किस पिक्चर में लॉक लगाना चाहते हैं पिक्चर सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर मिलता है पिक्चर, पिक्चर पर क्लिक कीजिए और यहाँ मिल जाता है कैप्चर फोटो। तो आप लोग यहाँ पे इसको अलाउ करके आप लोग यहाँ पे कोई फ़ोटो आप लोग खींचते हैं, तो आप लोग कैमरा से फ़ोटो को यहाँ से खींच के, जैसे कि मैं कैमरा से कोई फ़ोटो खींचता हूँ और मैं चाहता हूँ अब ये मेरे जो फ़ोटोज़ हैं वो हाइड हो जाए, तो इसको आप लोग कर दीजिए राइट, मतलब लॉक लग जाए। तो इसमें जो है लॉक लग चुका है, अब ये फ़ोटो हमारा कोई भी बाहर से नहीं देख पाएगा, ठीक है। अब फिर से मैं इसको जो फिर से बैक करूँगा और बैक करने के बाद एडवर्टाइज आएगी, इसको कट कर दीजिए। और कट करने के बाद यहाँ पर आप लोग देखेंगे, इसको मैं कट करता हूँ एक बार, अब ये पिक्चर यहाँ पर हो चुका है। फिर से मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर मिलता है डाउनलोड इम्पोर्ट, इम्पोर्ट फोटो पर क्लिक कीजिए। अब आप लोग की गैलरी में जितने भी फ़ोटो होंगे वो सारे के सारे यहाँ पे आ जाएंगे, तो ऑल फ़ोटो में क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे आपके जो भी फ़ोटो है वो सारे के सारे आ जाएंगे, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे मेरे जो फ़ोटो हैं यहाँ पे मैं इनको सेलेक्ट कर लेता हूँ, आप लोग के लाइव सामने है, और इसको लॉक कर दूँगा और ये देख सकते हैं हमारे फ़ोटो है वो इम्पोर्ट हो जाएंगे। डन कर दीजिए। अब ये यहाँ पर एक इनेबल सेटिंग इनेबल करने के लिए बोल रहा है, मैं यहाँ पर डालूँगा अपना पासवर्ड, राइट करूँगा और ऐड आ रहा है, इसको ऐड को कट कर दीजिए।
तो एक काम कीजिए, मैं यहाँ पे आप लोग को लाइव दिखा देता हूँ, क्योंकि आप लोग यहाँ पे कहेंगे कि फेक वीडियो बना रहा है। तो यहाँ पे मैं फाइल मैनेजर में जैसे ही जाता हूँ और आप लोग यहाँ पे देखेंगे, ये इमेज पे जाता हूँ और इमेज में कौन सा फ़ोटो आ रहा है ये देख सकते हैं। ये वाला फ़ोटो आ रहा है इमेज में, ये वाला आप लोग को मतलब ये थंबनेल है, एक ये फ़ोटो आ रहा है। मैं इसको हाइड करना चाहता हूँ, मैं गैलरी में जाऊँगा, मतलब लॉक लगाना चाहता हूँ, राइट करूँगा इसको और इसको कट कर देता हूँ। पिक्चर पे जाऊँगा और इम्पोर्ट में जाऊँगा और ये वाला जो फ़ोटो है मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ और लॉक कर दूँगा इसको, ये इम्पोर्ट हो जाएगा। अब ये देख सकते हैं यहाँ पे मैं जाऊँगा और जाने के बाद देख सकते हैं ये फ़ोटो यहाँ से हट चुका है, ठीक है। तो ये हमारा जो फ़ोटो है वो लॉक हो चुका है और यहाँ से मेरा फ़ोटो हाइड भी हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इस एप्लीकेशन का यूज़ करके अपने फ़ोटो में लॉक लगा सकते हैं और फ़ोटो आप लोग हाइड भी कर सकते हैं। ये सेटिंग है, इसको इनेबल करनी होती है, ओके कर दीजिए और सेटिंग आपकी इनेबल हो जाएगी, ठीक है। फिलहाल आप लोग कर दीजिए इसको एक्टिवेट और यहाँ पे आप लोग देखेंगे, इसको मैं बैक करता हूँ और ऐड आती है, इसको कट कर दीजिए। यहाँ से डाउनलोड पे जाएंगे तो यहाँ से आप लोग अपने डाउनलोड के जो फ़ोटो हैं वो यहाँ पे आप लोग सेलेक्ट करके इंपोर्ट कर लेंगे तो आपके फ़ोटो यहाँ से हाइड हो जाएंगे। अब दोस्तों आप लोग को जो फ़ोटो है यहाँ पे आप लोगों ने जो फ़ोटो छिपाए हैं या लॉक किए हैं उनको आप लोग देखना चाहते हैं तो कैसे देखेंगे, गैलरी फ़ोटो लॉक पे आप लोग ओपन करेंगे। अब ये आप लोग अपना पासवर्ड डालेंगे, राइट करेंगे, राइट करने के बाद यहाँ पे आप लोग अपना जो फ़ोटो आपने लॉक लगाए उनको आप लोग देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप लोग अपना पासवर्ड डाल के राइट कीजिए और यहाँ पे इसको कट कर दीजिए। एडवर्टाइज आते हैं, इसको एडवर्टाइज को आप लोग कट कर देना, ठीक है। और ऐड को कट करने के बाद ये देख सकते हैं हमारे जो फ़ोटो है वो यहाँ पे आ रहा है, तो इन फोटो को आप लोग यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये है बेस्ट फ़ोटो लॉगर एप्लीकेशन, इसको हाइडर को भी बोल सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये एप्लीकेशन आप लोग को काफ़ी पसंद आई होगी। दोस्तों एप्लीकेशन पसंद आई हो और हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसी बात पर कर दीजिए वीडियो को एक लाइक, और चैनल पर पहली बार आए, पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ हो सके तो साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में एक बेल आइकन आ जाएगा उसे जरूर से प्रेस कर लेना, जो कि मैं जब भी इस तरह की वीडियो बनाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत से आप लोग को मिल जाए। सो गाइस फिलहाल के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय।